मैं तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा दुनिया का सारा खजाना। माँ चुदाने क्या तुम्हारा खजाना, अंदर डाल बनाना और शुरू कर दबाना। जानू पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज ना 3 गुंडे आए और उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली। तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने उन्हें बहुत रोका पर वो कहने लगे हमें जाने दो, हम थक गए। चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है, दरवाजे से जाते हैं, दरवाजे से जाते हैं, खिड़की से निकलते हैं। मैं कम इन सर? यस, सिट डाउन, शो मी योर सीवी। या श्योर सर। नाइस। आपको एक्सेल आता है? सर एक्सेल तो बहुत टाइट हो जाता है, बट यस डबल एक्सेल मुझे बहुत इजीली आता है। मैं कंप्यूटर के एक्सेल की बात कर रहा हूँ। ताजमहल किथे है? कभी गया है ताजमहल? ताजमहल पता नहीं कहाँ है। कभी जाया करो मम्मी के साथ बाहर घूमने? कहाँ है? आगरा में। आगरा में? और आपको पता है रामलाल कौन है? कौन है? कभी मम्मी के साथ घर में जाया करो, पता लगेगा। एक बात बता, तू गोरी मैं गोरा, ये बच्चा काला कैसे हुआ? आप गरम थे, मैं गरम थी, बच्चा जल गया और क्या। तेरे लिए तो मैं सिंगल बेबी गोली खा लूं। हाय, तेरे तो बिल्कुल ही बाल नहीं है। हाय, तेरे भी। हमारे यहाँ कहते हैं जिस मर्द के सीने पे बाल ना हो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। मत कर भरोसा, शादी कर ले डायरेक्ट। शादी तेरे। बेबी मैं तुम्हारे लिए फास्ट करूंगी। ना बेबी, धीरे धीरे आराम से मजे लेकर करेंगे। पीसी मैं व्रत की बात कर रही थी। कोई ऐसा मुहावरा बता दो जिसके अंदर दो शरीर के अंगों के नाम आते हैं, जैसे हाथ पैर मारना, बिना सर पैर के बात करना जो तुम करते हो, कांड में उंगली करना, कांड में उंगली करना। क्या वो शेर आता है हमें अपनों ने लूटा, ऐसी कुछ था? हाँ, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहाँ पानी कम था। तुम्हारी कश्ती डूबने का हमें भी गम था, माँ बहन कराने गई कुत्ती जहाँ पानी कम था। 150 भैया कॉन्डम देना, ब्लैक ग्रेप्स फ्लेवर कॉन्डम। बीबी अगर मैं बाइक के नीचे आ गई तो 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, अगर कार के नीचे आ गई तो 2 महीने की। बेबी तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो, मेरे नीचे आ जाओ, पूरे 9 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। What? अच्छा क्या देंगी ईदी में? आप जो मांगो। आपका लंदन जाने का प्लान कब है? अरे बहन छोड़ के जा रही है ना इंडिया शादी के बाद, उसके बाद जाएंगे। ये गाना बजाना हो तो मुझे शादी में जरूर बुलाना। अबे बहुत मजा आएगा ना। पता है जानू, आज मैं नहा के ठवल में आ रही थी, सामने से ससुर जी न्यूज़पेपर लेकर आ गए। फिर क्या किया तुमने? मैंने ठवल उतार के घूंघट बना लिया, इतने तो संस्कार है मुझ में जानू। आई लव यू। मम्मी मम्मी एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ बेटा। मम्मी किस चीज के फटने से आवाज नहीं होती? देखो मैं मतलब बाप को बुलाती हूँ कि गंदी गंदी बातें करने लग गए तू, सुनो इधर आना। मम्मी मैं तो दूध की बात कर रहा था, आपने क्या सोच? बाबू मेरे ना सीने में बहुत दर्द हो रहा है 2 दिन से। तुमने डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया तो था। क्या बोला उसने? वाओ इतना बड़ा बड़ा। क्या दिखाया? तुम भी मेरा दूध पी सकते हो, ठंडा है, ताजा है, मलाई से भरा हुआ है। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं, बट आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड। यार हाफ वाफ का तो मुझे पता नहीं है, मगर डालूंगा मैं पूरा अंदर तक। आई लव यू।
आई लव यू टू। लेकिन सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। हाँ मालूम है, कमाना भी जरूरी होता है। अबे लोडू, चोदना भी जरूरी है, वरना तू कमाता रह जाएगा और चोद के कोई और चला जाएगा। एक्चुअली मैं यहाँ खुलवाने आई हूँ। आप मेरी मदद करेंगे ना? एक्चुअली मैं पहली बार खुद खोल रही हूँ ना। अरे रोज खोलता हूँ, आपको खोलने में खुशी खुशी। एक्सक्यूज मी। जी जी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे तमीज से बात करना, मैं लड़की कम मोबाइल ज्यादा हूँ। तो आपको भी शायद पता नहीं कि मैं भी लड़का कम और चार्जर ज्यादा हूँ। बचपन में माँ गुजर गई और उनका भार मेरे सीने पे आ गया। आप नहीं देख सकते साहब जी, मुझे अकेले के सीने पे कितना बोझ है, कितना बोझ है। देख सकते हैं, आप चाहे तो उठा भी सकते हैं। बोल दीदी, मेरे साथ चल। कहाँ लेके जाएगा? जन्नत। जन्नत तो मैं हूँ, जिसको जन्नत देखनी होती है ना वो मेरे पास आते हैं। बस निकल गया, मतलब खाए पिए किसके? और नहीं तो क्या, तू होटल में खाना खाने के बाद वहीं बैठी रहती है क्या? नहीं ना। हम वो आशिक हैं जो सुबह को शाम बना देते हैं, छोटी छोटी मौसमियों को भी आम बना देते हैं। हम छोरों से पंगा ना ले छोरी, क्योंकि हम छोटी छोटी दुकानों को भी गोदाम बना देते हैं। क्या तुम्हें पता है खून की 100 बूंदों से स्पर्म की 1 बूंद बनती है? तो मैडम आप हमारा खून क्यों चूसते हो? सीधा मेरी निप्पल अपने मुंह से लगा के झड़वा लिया करो ना मुंह में। भोसड़ी के निकल जा मेरी क्लास से, वरना गांड का गुलदस्ता। नदी का पानी कड़वा है, सबका बॉयफ्रेंड भड़वा है, सारे बहन चोद। अरे हराम के लौड़ो, तुम्हारे तो लौड़ा भी हराम का है, जिसको चोदोगे तो वो हराम की औलादी पैदा होगी। मादे चोद होते सारे, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है।